नमस्कार, आप जो रहो छो टीवी 13 गुजराती अने हूँ छू आपनी साथे धरती। केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा राजकोट थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी रहा छे, सीधा जाइसु त्यां। कि जैसे जैसे ओपीडी और आईपीडी बढ़ रहा है, यहाँ यात्री निवास के दृष्टि से भी हम एक तो इनबिल्ट प्रोजेक्ट में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी जगह डमार्केट करके वो भी देने की व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कल्पना की है कि स्वास्थ्य की सेवा में टर्शरी केयर, हायर एंड फैसिलिटी आम गरीब व्यक्ति को जो नहीं मिल पाती थी वह उसको मिल पाए आम नागरिक को, और इसके साथ साथ जो रीजनल इंबैलेंस है, जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको संतुलित किया जा सके, उसको संतुलित करके रखा जा सके, उसकी चिंता करने का काम इस प्रकार से हुआ है कि कांग्रेस के जमाने में 1960 से लेकर 1998 तक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, और 1998 से 2004 में अटल जी के नेतृत्व में 6 ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेज आए, और उसके बाद यूपीए के 10 साल की अवधि में सिर्फ एक रायबरेली का ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेज आए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस छोटी सी अवधि में 22 ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेज तक पहुंचाया, और 18 ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑपरेशनल हो गए, 4 होने बाकी हैं जिस पर काम चल रहा है। यानी रीजनल इंबैलेंस को कैसे बैलेंस किया गया है वह इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको दिखता है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत, PMSSY के तहत, और राजकोट उसी में एक अपने आप में एक नायाब, गुजरात की जनता को, सौराष्ट्र की जनता को एक तोहफा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से है मानवता की सेवा के लिए। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वन ऑफ द बेस्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट को हम करेंगे, और इसके साथ साथ यहां पर जो इसके टर्शरी हेल्थ केयर के लिए जो हाई एंड फैसिलिटीज को अनरोल करना है, अनफोल्ड करना है, उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के इस विजिट से मैं यहां के एक्टिविटी से संतुष्ट हूं, और आप सबका सहयोग मुझे वांछित हो, मुझे मिले, और यहां हम अच्छी मानवता की सेवा कर सकें, ताकि आम गरीब व्यक्ति जो प्राइवेट में फैसिलिटी नहीं ले सकता है वो यहां ले सके और उसको वो पूरा हो सके, इस बात का प्रयास है। और आप सब लोग जो मीडिया के हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इसको हाई क्वालिटी सर्विस बनाने के लिए हम हाई क्वालिटी की फैकल्टी भी ला रहे हैं। फैकल्टी लाने में समय भी लगता है, उसमें भी आपको हमारे साथ सहयोग करना पड़ेगा, इसलिए आपका पूरा सहयोग मिलेगा ऐसा मैं मानता हूं। मेरे वक्तव्य के प्रारंभ में मुझे कुछ आपके बारे में सुनने को मिला, आप सब लोग थोड़े तकलीफ में थे, उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगूंगा, क्योंकि मैंने अपने तरफ से कोई कार्यक्रम रखा नहीं था, और जिन्होंने रखा है मैं तो सिर्फ इस कार्यक्रम में आया हूं, लेकिन फिर भी इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप जरूर इसको मेरी क्षमा को मान लेंगे ऐसा मैं मानता हूं। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चांदीपुर वायरस अभी फैल रहा है, तो वैक्सीन भी कुछ परीक्षण? देखिए, उसके बारे में साइंटिस्ट हर एक तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऑल इज अंडर कंट्रोल एंड वी आर टेकिंग केयर। चांदीपुर वायरस हो गया, आज जब मैं एम्स पर बोल रहा हूँ, बाकी अलग से चल रहा है।
जेपी नड्डा राजकोट की मुलाकाते केन्द्रीय आरोग्य मंत्री बनया बाद प्रथम वक्त राजकोट की मुलाकात लीधी है। राजकोट एम्स की मुलाकात लीधी जहां एम्स में दररोज 800 થી 1000 सुधी ओपीडी में केस नोधाय है। उल्लेखनीय है कि एम्स होस्पिटल लोकार्पण वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी हस्ते करूं प्रेस कोन्फरेंस योजी थी। तो आज केन्द्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा राजकोट की मुलाकाते है।